वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अरियर है। मेरा नाम अरियर है। मेरा नाम अमर है। तो दोस्तों, ये अर्जुन पंडित का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में सॉन्ग था, बहुत अच्छा था। अब आगे देखें। चोपड़ा से मिलना है। अरे भाई, ऊपर जाने की परमिशन नहीं है ना पीछे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उतरो उतरो। अरे चल यहाँ से। पर मैं अर्जुन ईशा से मिलना बोला नहीं जा सकते। देख, इधर विमल काले बैठा है, फालतू में लफड़ा होगा। इसका भाई रमन काले यहाँ का दादा। गाड़ी ने मुझे कुछ नहीं पता, निशा से मिलना है मुझे। फिलहाल निशा चोपड़ा को मेरे होटल के कमरे में ले गया। कहीं लगता हुआ है। आएगी कैसे नहीं साली। क्या तुम्हारे दोस्त ने विमल कालिया को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया, रमन कालिया के भाई को? हाँ अल्टी भाई, अब रमन कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भला आदमी बेकार में मारा जाएगा। रमन कालिया के भाई को मारा? तू फिक्र मत कर, हम कुछ करता हूं, फोन करके आता हूं। चंदा, विमल कालिया शहर के जिस किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। तो ये आप क्या कह रहे हैं हल्दी भाई? रमन काले के साथ तो हम लोगों का पहले से 36 का आंकड़ा है, और उसका भाई मारा गया तो गैंग वार खुलेआम सड़कों पे होगी, पुलिस लाशें गिनते थक जाएगी हल्दी भाई। वो लड़का हमारी गैंग का है? नहीं हल्दी भाई। हमारे धंधे के साथ का कोई लेना देना है? नहीं हल्दी भाई। किसी ने उसको हमारे साथ देखा है? नहीं हल्दी भाई। जब हमारे आदमी ने मर्डर नहीं किया तो गैंग वार किस बात का? जा बेटा, फिनिश कर दे उसे। कितना पैसा लिया ना तूने मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, किसने बोला तुझे मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, हल्दी नाम कितना पैसा दिया मेरा भाई को मारने के लिए? ये झूठ बोलता है साला। हाँ, अगर ये हल्दीराम का आदमी नहीं है तो सारी पर नाचने वाली के लिए मेरा भाई। हल्दी भाई, हवालात में रमन कालिया मार डालेगा अर्जुन को। अरे अपने भाई की मौत का बदला तो लेगा ही। शिवा, 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 अर्जुन, शिवा, अर्जुन, तू हवालात से कैसे आया? मैं हवालात से भागकर आया हूँ, मुझे अभी इसी वक्त निशा से मिलना है। पागल हो गया तू? देख, तू इसी वक्त यहाँ से ऋषिकेश चला जा, नहीं तो पुलिस या रमन कालिया दोनों में से कोई तुम्हें मार डालेंगे। मृत्यु का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया शिवा। मैं यहाँ निशा से मिलने आया हूँ और उसे मिलकर रहूंगा। हल्दी भाई, ये निशा है, आप इसका पता ढूंढ दीजिए। ढूंढता हूं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना, बाहर पुलिस की बहुत नाकाबंदी होगी। शिवा, तू इसे अंदर ले जा। जा। धन्यवाद। चंदर, मुझे रमन का यमराज मिल गया है, अब इस बारूद के ढेर को चिंगारी कैसे देनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, शिवा, ये मैंने पता लगा लिया, मुझे यही के लोगों ने बताया, कुछ लोग जीप में बैठ कर आए थे, घर वालों को बाहर निकाला, आग लगाकर चले गए। पर निशा कहाँ है? निशा नहीं है, उसके रिश्तेदार आए थे, उसे उठाकर ले गए। कहाँ ले गए? अब ये मुझे नहीं पता, अब तू चल पता करता है। अभी पता करते हैं। हम पता लगा लिया हूँ,
रमन कालिया और उसके आदमियों ने ही आग लगाई। अरे ससुरा कालिया कसम खा लिया कि जैसे तू उसके भाई को बेरहमी से कत्ल किया वैसे ही वो तुम्हारी निशा को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं रमन कालिया को समाप्त कर दूंगा। अरे तू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस फोर्स में उसकी तूती बोलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके तलवे चाटते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसकी जड़ें चाहे जितनी भी मजबूत हो मैं एक एक करके सबको उखाड़ दूंगा। पागल हो गया अर्जुन, ये तेरे अकेले के बस की बात नहीं है। अरे शिवा, हल्दीराम की आग में क्या सुअर का बाल है जो इसको अकेला लड़ने को छोड़ देगा। अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो ठीक है, रमन कालिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में हल्दीराम की पूरी ताकत तुम्हारे साथ है पंडित। इस वक्त रमन कालिया कहां जाएगा? अख्तर सिगरेट लाना जी। एक के बाद एक पंडित रमन कालिया के आदमियों को मारता गया। हल्दीराम के चंगुल में आकर वो गुनाह के कैसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां से वो शिवा डॉक्टर तिवारी। यस सर। शिवा का अंतिम संस्कार पुलिस कस्टडी में होगा, मीडिया को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। जॉन साहब अब मेरा ख्याल है शिवा के डाइंग स्टेटमेंट के बेसिस पर हम हल्दीराम को फाइनली अरेस्ट कर सकते हैं। वकील आया कि नहीं? पैसों के पीछे छिपकर तेरे गुनाह नहीं छिपेंगे। अदालत में तेरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे गलत फहमी हो गई यहाँ। हल्दीराम, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है, अब तू नहीं बचेगा। हल्दीराम तेरे गैंग का आदमी शिवा जो हमारे कस्टडी में है उसने हमें सब कुछ बता दिया। शिवा? अरे कौन शिवा भैया, हम किसी शिवा को नहीं जानते, हम तो सिद्धि का भगत है। अरे है कोई अंधेर नगरी में हमारी बात सुनने वाला कि कोतवाल जबरदस्ती हम देहाती अनपढ़ गवार को उठाएंगे। सर ये श्री हल्दीराम के एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स। तुम पुलिसिया अपने आप को क्या समझते हो? अरे हमारा नाम हल्दीराम है। चलो, हम कल भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द थे और हमेशा रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बना रखा है लोगों ने। एक ही तरीका है, हल्दीराम की गैंग का कोई आदमी सरकारी गांव बन जाए। उनकी गैंग का आदमी हमारा प्रभु क्यों बनेगा? मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शिवा ने जिस लड़की का जिक्र किया वो निशा चोपड़ा, उसे हेडक्वार्टर बुलवाइए। शिवा का डाइंग स्टेटमेंट दर्ज करने के बावजूद भी वो हल्दीराम जमानत लेने में कामयाब हो गया। तुम उसको बेवकूफ समझता है? अगर पुलिस डिपार्टमेंट में मरा आदमी है तो उसका भी पुलिस वालों के साथ घुसपैठ है। अब जो करना मेरे को करना। मैं जब जेल के बाहर जाएगा तो सबसे पहले हल्दीराम की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, और वो रीढ़ का हड्डी है पंडित। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूं कि आप पुलिस की मदद करें। मुझसे कैसी मदद चाहते हैं आप? डिपार्टमेंट चाहता है कि पंडित हल्दीराम के खिलाफ सरकारी गवाह बने, और इस काम के लिए आप पंडित को कन्विंस कर सकती हैं। I'm sorry सर, आपके पास कोई गलत इंफॉर्मेशन है। मेरे कहने से पंडित सरकारी गवाह क्यों बनेगा? क्यों? तुम्हारे कहने से पहली बार वो हथियार उठा सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार जुर्म कर सकता है,
तुम्हारे कहने से पहली बार कानून तोड़ सकता है तो क्या तुम्हारे कहने से एक बार सरकारी गवाह नहीं बन सकता? तो आप कहना चाहते हैं कि पंडित की गुनहगार मैं हूँ? गुनहगार तो तुम हो ही निशा चोपड़ा, क्योंकि तुमने ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे एक सीधा साधा भोला इंसान गुनहगारों का पंडित बन गया। मेरा बस चले तो पंडित से पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूं, सजा दिलवाऊं। I've had enough. पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये नहीं कि एक सिटीजन को धमकी दे, उसकी इंसल्ट करे, बल्कि आपका काम है क्रिमिनल को अरेस्ट करें, उसे सजा दिलवाएं। फाइनली पंडित हर क्रिमिनल की तरह पकड़ा जाएगा, उसे फांसी भी हो जाएगी, और शायद उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। यार ये ऑफिसर सही कह रहे हैं, ये सब की जिम्मेदारी है ना दिशा ही है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया था। और जो हल्दीराम ये भी साला हरामी है, ये अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बेचारे उस अर्जुन को इस्तेमाल कर रहा है। हरामी ने किस तरह उसको झूठा मतलब बताया कि भाई वो ही तुम्हारी दिशा को उठा के लेके आया, आग लगा दी है, तो ये बड़ा हरामी। ये वास्तव में रघु भाई को इसलिए गुंडा बनाया, विठल कानिया था वहाँ हरामी, उसको ऐसे मतलब ताकत दे के सब बोला तुम जा मार, पिस्तौल दिया था टेबल के नीचे गुंडों को मारे, वो भी हरामी थे। बड़ी गैंग्स वाई हमने देखी है, बट इस बार फिर भी इसने हरामी ने ये अपने औकात दिखा दी, और ये भी निशा को भी ये समझा रहे ना, सही कह रहे हैं भाई। यार ये ऑफिसर ने भी सही बात की, हमारे दिल की बातें करा, सारी वजह तुम हो भाई सबके पीछे। वो बेचारा मासूम सा इंसान, उसको हथियार देकर मारो मारो मारो, तो अभी देखो भाई क्या बन गया अभी। और ये हल्दीराम बड़ा कमीना है, हर बार किसी भी शरीफ इंसान को बदमाश बनाने के पीछे इसका हाथ है कमीने का। वैसे बंदूक भी देता है, उस बेचारे को मार दिया हॉस्पिटल में, और कहता है उसने मारा है भाई, देखो अभी वो भी जेल में बैठकर वो भी तड़प रहा है इसको मारू भाई। बड़ी दुश्मनियाँ हो गई हैं इनकी, और ये लड़की भी इसको ऐसा अभी तक नहीं है कमीने की, हम तो इसको अच्छा समझते थे, ये तो बड़ी भोली लड़की है, और ये आज तो बड़ा इसका रूप हम देख रहे हैं, हमें भी इससे खौफ आ रहा है कि यार सेवा भाई को पूरा पूरा इसने क्रिमिनल बना दिया है। वो तो सीधा सारा बेचारा पंडित था, इसने बोला हथियार उठा, वो हथियार उठा रहा है बेचारा। और हल्दीराम वो भी बड़ा हरामी है भाई, काली ने तुम्हारी निशा को उठा लिया है भाई, वो भी बेचारे को फंसा दिया है, वो भी चाल बाल बड़ा हरामी काली है। वो दूसरा जेल में बैठा हुआ है, वो भी बड़ा हरामी भाई, वो बोलता है पंडित को है ना मैं मारूंगा। भाई पंडित बेचारे ने क्या किया भाई, सारी जड़ी लड़की है ना नपुंसक। हाँ भाई ये बेचारा पंडित तो भाई अच्छा नेक इंसान था, इसको यार हल्दीराम ने कहा है तुम्हारी लड़की को ये उठा रहा है साला जेलर, वो पुलिस वालों के पांव दबा रहा है, वो सुअर बड़ा हरामी था, पुलिस भी उसकी गुलाम है भाई जेल में अंदर, ये तो बड़ा सरदार है ना डाकू बड़ा। हाँ भाई बहुत हरामी लोग है, बस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।